गाइस गॉड ऑफ वॉर 2018 के लास्ट में थॉर को देखने के बाद एंड गॉड ऑफ वॉर 2018 में एक पिक्चर को देखने के बाद जिसमें क्रेटोस मरा हुआ दिख रहा है एंड फ्रेया का दुश्मन बन जाना एंड और भी कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमें गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक के लिए बहुत सारी थ्योरीज मिल गई है। बात करते हैं थ्योरीज के बारे में। फर्स्ट थ्योरी, क्या क्रेटोस रैग्नारॉक में मर जाएगा? तो गाइस ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो पिक्चर है इसमें हमें अच्छे से क्रेटोस दिखाई नहीं गया एंड ना ही हमें ये पिक्चर अच्छे से दिखाई गई है, क्योंकि इसके ऊपर पर्दा था। इसका क्या पता है क्रेटोस हो ही ना, क्योंकि अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो क्रेटोस के जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। या तो ये ममीर का न्यू बॉडी है, न्यू बॉडी ऑफ ममीर, या तो ये टीयर गॉड है, यानी कि टीयर गॉड। तो आपको क्या लगता है कौन है ये, मतलब क्रेटोस है या ममीर है, कौन है ये आप कमेंट करना। एंड अब बात करते हैं क्या थॉर गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक में क्रेटोस को मार देगा? तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यार कॉर्ली बार्लो ने खुद कहा है कि क्रेटोस के बिना गॉड ऑफ वॉर है ही नहीं, तो इसलिए क्रेटोस तो मर ही नहीं सकता। एंड हमें शायद ऐसा हो सकता है, मुझे लग रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा गॉड ऑफ वॉर 2018 में बॉल्डर एंड क्रेटोस की फाइट हुई थी, तो क्रेटोस ने उसे थोड़ा सा डिफीट कर दिया था लेकिन वो वापस आ गया था। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि थॉर एंड क्रेटोस के बीच में बैटल हो, लेकिन मे भी थॉर थोड़े मार्जिन से हार जाए एंड फिर बाद में भाग जाए ओडिन के पास एंड फिर से थोड़ा सा रीजनरेट करके एंड थोड़ा सा अपने आप की जो पावर बढ़ाकर फिर से लड़ने आए, जैसे बॉल्डर बार बार नहीं आता था ऐसे आएगा। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्रेटोस तो बिल्कुल भी मरने वाला नहीं है। अब बात करते हैं हम लेक ऑफ नाइन, जो लेक ऑफ नाइन है ठीक है, वो फ्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यार इतनी ज़्यादा रैग्नारॉक में स्नो पड़ रही है, इतना ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो लेक ऑफ लाइन पूरी तरह से जम जाएंगी एंड फ्रीज हो जाएंगी। अब बात करते हैं बोल्ड सरपेंट का क्या होगा, क्योंकि बोल्ड सरपेंट तो लेक ऑफ नाइन में ही रहता है ना। तो गाइस बोल्ड सरपेंट बाहर आ जाएगा एंड मे बी वो ठंड सर्वाइव ना कर पाए एंड वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाए, एंड यही कारण होगा कि बोल्ड सरपेंट हमारी मदद अच्छे से नहीं कर पाएगा एंड वो मर भी सकता है। क्योंकि यार जैसे कि आपको पता होगा कि यार वर्ल्ड सरपेंट ठंड ज़्यादा सहन नहीं कर सकता, तो मे बी वर्ल्ड सरपेंट मर जाए, ऐसे मरेगा तो नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, लेकिन इसे थॉर मारेगा, मे बी थॉर, क्योंकि थॉर उसका दुश्मन है। एंड बाद में जो क्रेटोस है वो थॉर को वीक करने के लिए वर्ल्ड सरपेंट के मुँह के अंदर से वेनम लेके आए, जिस वजह से वो मार दे थॉर को ईजली। आपको पता होगा वेनम जो है थॉर की वीक, मतलब थॉर को एकदम वीक कर देगा मरने वाला। अब बात करते हैं क्या ओडिन को हमारे बारे में पता है? तो यस, ओडिन को पता है हमारे बारे में। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जब क्रेटोस एंड बॉल्डर की फाइट हुई थी तो जो बॉल्डर था उसने खुद बोला था कि ओडिन ने सेंड किया है मुझे तुझे मारने के लिए, एंड ओडिन ने ही सेंड किया था तो उसने बोला ही क्यों ना फिर, मतलब बॉल्डर ने बोला तो मतलब ओडिन ने सेंड किया होगा, ओडिन जानता है। एंड यहाँ पे बॉल्डर के मुंह से आप सुन भी सकते हो फर्स्ट फाइट में कि जो बॉल्डर उसने ऐसा बोला था कि सबसे पावरफुल गॉड जब यहाँ आया है तो इसको मारने के लिए मुझे ओडिन ने सेंड किया है, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसका क्या पता है हमें भी मार दे। तो ओडिन को क्रेटोस का पास्ट पता है, तो इसलिए उसने बॉल्डर को सेंड किया था, लेकिन क्रेटोस ने बॉल्डर को ही मार दिया। अब बात करते हैं यार थॉर कितना ज़्यादा पावरफुल है, थॉर की पावर कितनी है? थॉर की पावर अगर हम बात करें तो थ्योरीज के हिसाब से क्रेटोस के इक्वल ही है। यस, क्रेटोस के एकदम इक्वल, लेकिन यहाँ पे भी हम बात कर सकते हैं कि थॉर की पावर कम है। क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि गॉड ऑफ 2018 में हमें क्रेटोस इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं दिखा है। क्यों? क्योंकि क्रेटोस फाइट करना ही नहीं चाहता था, लेकिन अगर क्रेटोस सीरियस हो गया ना तो भाई थॉर की एकदम फाड़ के रख देगा, ठीक है, मतलब मिनटों में। क्योंकि यार अभी जो क्रेटोस अपना फुल पोटेंशियल नहीं जानता, एंड मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ क्रेटोस की फुल पावर की कहाँ तक जा सकती है। एंड हम बात करते हैं आगे, जो हमारा अट्रियस भाव हुआ है, अट्रियस के पास भी कई पावर्स है, जैसे कि वो किसी चीज़ में शेप शिफ्ट हो सकता है, क्रेटोस भी हो सकता है शेप शिफ्ट, लेकिन अट्रियस किसी भी मतलब एनिमल में शेप शिफ्ट कर सकता है। एंड अट्रियस ने खुद क्रेटोस से पूछा था, जब क्रेटोस ने बोला था आई एम गॉड बॉय, तो तब अट्रियस ने बोला था कैन आई टर्न इन एनिमल, एंड क्रेटोस ने बोला था कैन आई टर्न इन एनिमल। Turn into an animal?
and you turn into an animal. एंड यहाँ से आप पता कर सकते हो का जो हमारा अटेंडेंस है वो आगे किसी भी एनिमल में बदलने के लिए पूरी पूरा सीख जाएगा। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे इन पिक्चर्स में योटनहैम वालों में, तो वहाँ पे आपको तीन वुल्फ भी दिखते हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं का जो अटेंडेंस है वो किसी भी एनिमल को कंट्रोल कर सकता है, यहाँ तक कि किसी भी बंदे को कंट्रोल कर सकता है, गॉड्स को भी कंट्रोल कर सकता है एंड किसी भी एनिमल में बदल सकता है अपना रूप। अब बात करते हैं फ्रेया वर्सेस क्रेटोस हमें देखने को मिलेगा, तो ये बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा देखने को मिलेगा, लेकिन गेम के एंड होते होते जो फ्रेया है मे भी हमारी दोस्त बन सकती है, क्योंकि यार जो फ्रेया है वो भी मे भी समझ जाए कि जो क्रेटोस ने किया है वो सही किया है, तो इस वजह से जो फ्रेया है वो हमारी दोस्त फिर से बन जाए, क्योंकि हमने कई ऐसे कैरेक्टर्स देखे हैं जो कि क्रेटोस के पहले थोड़े दुश्मन थे, फिर दोस्त बन गए, फिर दुश्मन बन गए, तो ऐसा हो सकता है कि दुश्मन दोस्त ऐसा ही होता रहे एंड एंड में क्रेटोस फ्रेया की आखिर ले ही ले, मतलब जैसे उसने एफ्रोडिटी की ली थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।